हेलो दोस्तों, मैं शरद और तिवारी लॉर्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और गाइस, आज हम बात करेंगे कैनन मशीन में एरर कोड E014 के बारे में। E014 ये जो एरर कोड है, ये मशीनों में क्यों आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। E014 एरर कोड मशीन के फिक्सिंग यूनिट से रिलेटेड रहता है। अगर मशीन का फिक्सिंग मोटर काम नहीं करता है तो ये E014 एरर कोड हमें मशीन के डिस्प्ले पे शो होता है। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। पहला स्टेप, आप डायरेक्टली कॉपियर ऑप्शन में जाइए। कॉपियर ऑप्शन में जाके एरर क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मशीन बंद करके चालू कीजिए। अगर ये एरर कोड चला जाता है और आपका मशीन चलने लगता है तो ओके, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर एरर कोड क्लियर करने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से मशीन में बना रहता है तो आप सबसे पहले इस मशीन का जो फिक्सिंग यूनिट मोटर है उसे चेंज कर दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये मेन रूप से इसी फिक्सिंग मोटर का ही एरर कोड रहता है। अगर मोटर चेंज करने के बाद भी ये एरर कोड नहीं जाता तो इसका मतलब है कि मोटर को जिधर से पावर आ रहा है वो पावर प्रॉपर इसके पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो मोटर को पावर डीसी बोर्ड से मिलता है। अगर डीसी बोर्ड के थ्रू इस मोटर को करंट नहीं मिल रहा होगा तो ये मोटर नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो वायरिंग चेक कर लीजिए जो डीसी बोर्ड से कनेक्टेड है इसका वायर। उसके बाद अगर ये करने के बाद भी नहीं जा रहा है तो आप डीसी बोर्ड रिप्लेस कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बड़ी मशीनों में 5000, 5055, इन सब मशीनों में मोटर पीसीबी लगा रहता है, तो मोटर पीसीबी के फॉल्ट से भी ये एरर कोड आता है। तो आप अगर डीसी के चेंज करने पे एरर कोड नहीं जाता है तो आप उसे चेंज कर दीजिए, ये एरर कोड 100% चला जाएगा। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे कैनन मशीनों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का इशू होता है या किसी यूनिट का प्रॉब्लम होता है तो आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके उस मशीन के उस यूनिट के बारे में आप सही जानकारी ले सकते हैं और अपने मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए लोग हो तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।